हेलो दोस्तों, एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले अपन जो है लोकेशन के बारे में बात करेंगे। डुप्लेक्स आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, सेमी डुप्लेक्स बना हुआ है। लोकेशन जो होने वाली कालवाड़ रोड पे, हाथों से जो मेन स्टैंड है उससे 500 से 700 मीटर दूरी पे लोकेशन आपको यहाँ पे होने वाली है। सेमी डुप्लेक्स है, नीचे की तरफ जो है आपको दो रूम मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ आपको एक रूम मिल जाता है। अपन जो है सब चीज़ें बात करेंगे यहाँ पे, डायमेंशन, साइज, प्राइस, सबके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही जबरदस्त प्रॉपर्टी की वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो एक बार सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन एक बार दिखा दीजिए, कितने खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन के साथ आपको यहाँ पे मिला दिख रहे होंगे। दो जो है सेमी डुप्लेक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। साइज जो है मैं पहले आपको बता देता हूँ, 100 वर्ग गज के अंदर ये बने हुए हैं। डायमेंशन, प्राइस, इन सब के बारे में बात करेंगे अपन वीडियो में जो है टूर करते करते। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको जो है मेन एंट्रेंस, मेन गेट आपको मिल जाता है आयरन का, यहाँ पे बहुत ही मजबूत गेट के साथ यहाँ पे जो है पेंट के साथ यहाँ पे तैयार किया गया है। जैसे अपन अंदर की तरफ चलते हैं तो पार्किंग के लिए बहुत ही स्पेसियस पार्किंग आपको मिल जाती है इजिली, आपकी सेडान कार, वरना जैसी कार, होंडा सिटी जैसी कार आप इजिली यहाँ जो है पार्क कर सकते हैं। अगर मैं साइज की बात करूँ तो लगभग 8x17 के आसपास की साइज आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक बहुत अच्छा एडवांटेज जो ये होता है कि अगर कार पार्क करने के बाद साइड में जगह नहीं बचती है तो उसके लिए जो है इधर की तरफ से भी एंट्री आपको यहाँ पे मिलती है, तो इजीली इधर की तरफ से एंट्री आप ले सकते हैं। दो तरफ से एंट्री यहाँ पे मिलती है आपको, एक सामने की तरफ से मेन एंट्रेंस ये है, एक दूसरी एंट्री जो है ये इधर की तरफ से आपको मिलती है। यहाँ एक स्पेस और दिया गया है जिससे कि आप किसी प्रकार से जैसे गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं या और भी किसी प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया इधर की तरफ से एक सेपरेट एंट्री है, तो इसको जो है एज ए आप गेस्ट रूम की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं। सीढ़ियाँ जो है वो बाहर से आपको मिल जाती है ऊपर छत के जाने के लिए, साथ ही साथ वाटर टैंक का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। वाटर टैंक की अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी की तो लगभग 6 से 7 हज़ार लीटर की कैपेसिटी आपको यहाँ पे वाटर टैंक की मिल जाती है। कुछ टू स्टेप से यहाँ पे आपको एंट्रेंस मिलती है मेन। तो चलते हैं अपन अंदर की तरफ, देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें यहाँ बनी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं डबल गेट आपको यहाँ पे मेन एंट्रेंस मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके की सनमाइका यहाँ पे यूज की गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत सनमाइका यहाँ पे आपको मिलने वाली है। प्राइज के हिसाब से जो साइज है बहुत ही प्यारी प्राइज यहाँ पे होने वाली है, बताऊंगा वीडियो के अंदर मैं आपको। उससे पहले आपसे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो मेन जो आपको डाइनिंग ड्राइंग एरिया का स्पेस मिल जाता है, स्पेस बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे निकाला गया है। लगभग अगर बात करूँ मैं तो 13x13 के आसपास के स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे वॉल पेंटिंग का जो काम किया गया है बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल काम आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। एसी फिटिंग की अगर मैं बात करूँ प्रॉपर आपको हर जगह एसी फिटिंग मिल जाती है जहाँ जहाँ आपको नीड है। साथ ही साथ ऊपर की तरफ जो फॉल सीलिंग का काम किया गया है, जो लाइटिंग वर्क यहाँ पे की गई है जो कलर कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही प्यारी यहाँ पे लग रही है। तो अपन सबसे पहले इधर की तरफ ही देख लेते हैं। जो मैंने बताया था आपको कि बाहर से इधर की तरफ से एंट्री होती है, तो आप इसको एज ए गेस्ट रूम बना सकते हो या फिर अगर चाहें तो आप इसको बेडरूम भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो साइज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 10x12 के आसपास की साइज आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ इधर की तरफ वॉल पेंटिंग का भी नज़ारा एक बार दिखा दीजिए, बहुत ही प्यारा नज़ारा वॉल पेंटिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बात करें यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, इधर की तरफ प्रॉपर विंडो मिल जाती है। जैसे मैंने बाहर की तरफ से दिखाया था कि अगर आप चाहें तो कूलर भी आप इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरफ से आपको जो है एंट्रीज के अंदर मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो फॉल सीलिंग का जो काम किया गया है वो ही बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको काम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एसी फिटिंग जैसे मैंने बताया हर जगह आपको जो है जहाँ जहाँ नीड है इधर की तरफ भी आपको एसी फिटिंग यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाती है। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अपन ने देखा अभी गेस्ट रूम देखा, डाइनिंग ड्राइंग एरिया देखा, एक जो कॉमन वॉशरूम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉमन वॉशरूम का लुक इधर से दिखा दीजिए। साइजेस बहुत अच्छी यहाँ पे रखी गई है, साथ साथ जो टाइल्स वगैरह के लुक की बात करूँ वो भी बहुत प्यारा है। वेंटिलेशन का पूरा यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा गया है। अगर मैं यहाँ पे फिटिंग्स की बात करूँ तो बहुत अच्छी कंपनी की फिटिंग्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ साथ यहाँ पे भी एक प्रोविजन दिया गया है जो हैंड वॉश के लिए प्रोविजन यहाँ पे होने वाला है। टाइल्स वगैरह का वर्क लग के यहाँ पे बहुत प्यारा है आपको जो है ये कॉम्बिनेशन भी आपको मिलने वाला है। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक रैक दी गई है जो कि कुछ चीज़ें स्टोर टाइप की चीज़ें आप इसमें यहाँ पे इजिली स्टोर यहाँ पे कर सकते हैं। सामने की तरफ टीवी पैनल का यहाँ पे वुडन में यहाँ पे जो है करके काम दिया गया है जो कि बहुत ही प्यारा टीवी पैनल यहाँ पे दिया गया है। साइज बहुत प्यारी यहाँ पे जो है निकाली इसकी गई है। बढ़ते हैं सामने की तरफ किचन का लुक देखते हैं। किचन की अगर मैं बात करूँ साइज की तो लगभग 8x10 के आसपास की साइज में आपको यहाँ पे किचन मिलने वाला है। किचन में अगर देखी जाए तो यहाँ पे जो है एल शेप में किचन बना हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ पे ग्रेनाइट का टॉप लगा के साथ साथ में टाइल्स वर्क किया गया है जिससे कि अगर आप खाना वाना बनाते हैं छीटे वीटे लगते हैं तो इजीली इसको वो साफ कर सकते हैं। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर एक विंडो दी गई है जिससे कि सफोकेशन नहीं होगा, वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहेगा जब आप खाना वगैरह बनाते हैं। साथ ही साथ इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक स्पेस है जो कि फ्रीज रखने के लिए बहुत ही प्यारा स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। बड़े से बड़ा फ्रीज आप जो है इजिली यहाँ पे रख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपन जो एक दूसरा जो बेडरूम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं अगर इस बेडरूम की साइज की तो वही लगभग 10x12 के आसपास की बेडरूम की साइज निकल के आपको यहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा डिफरेंट और बहुत ही प्यारा वॉल पेंटिंग का यह काम आपको देखने को मिलेगा।
बात करें फुल सीलिंग के वर्क की, तो फुल सीलिंग का वर्क भी बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इधर की तरफ देखते हैं तो इसमें आपको कबर्ड्स मिल जाती है, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है कबर्ड्स यहाँ पे दी गई है। प्रॉपर पूरी ऊपर कबर्ड्स है, जिसकी वजह से आप जो है सर्दियों वगैरह के कपड़े जो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें अटैच वॉशरूम मिल जाता है, अटैच वॉशरूम के अंदर से एक बार लुक दिखा दीजिए। टाइल्स बहुत ही प्यारी लगाई गई है, साथ साथ जो है स्पेसियस है और वेंटिलेशन का पूरा प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखा गया है। फिर देखते हैं इस रूम में अटैच इधर की तरफ जो है आपको एक बालकनी का स्पेस मिलता है, जो कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इधर की तरफ से यूटिलिटी एरिया मान लीजिए, बालकनी का एरिया मान लीजिए, बहुत ही प्यारा एरिया, बहुत ही स्पेसियस एरिया इधर की तरफ दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है पीछे की तरफ सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से यहाँ पे जाल लगा के इसको कवर्ड किया गया है, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी पर्पज जो है वो इम्प्रूव होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आसपास के सराउंडिंग एरिया जो मैं दिखाऊंगा आपको, ऊपर की तरफ से कंप्लीट आपको जो यहाँ पे बसावट देखने को मिलेगी। लगभग पूरा एरिया जो है ऑक्यूपाइड हो चुका है ये कम, और जो बाकी जो एरिया जो बचा हुआ है यहाँ पे लगातार निर्माण कार्य आपको चलते हुए दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके मार्बल की यहाँ पे स्टेयर्स आपको मिलती है, साथ साथ में एसएस की रेलिंग मिलती है, जो कि दिखाते हुए लेके आइएगा एक बार प्लीज। स्टेट्स के सामने की तरफ यहाँ पे ऐसे ग्लास लगा के आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि इसके एलिवेशन को सामने की तरफ से बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बनाता है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ भी स्टेट्स के जस्ट आगे की तरफ यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्पेस बच जाता है, जिसको आप किसी भी तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं फिर अपन इधर देखते हैं छत की तरफ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। साथ साथ पहले जो मैंने आपको बताया था कि मैं सराउंडिंग एरिया जो आसपास का जो एरिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बसावट देख के आप देखेंगे कि लगभग पूरा ऑक्यूपाइड एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला। दिखा दीजिए चारों तरफ से, फिर देखते हैं अपन यहाँ पे जो मैंने बताया था ऊपर की तरफ अगर जाते हैं अपन तो स्टेयर्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको स्टेयर्स मिलती है। साथ ही साथ यहाँ एक ऊपर की तरफ एक रूम है और एक वॉशरूम यहाँ पे दिया गया है। वॉशरूम का लुक दिखा दीजिए इधर की तरफ से, वॉशरूम की साइज ही बहुत ही प्यारी है, टाइल्स वगैरह का पूरा प्रॉपर यहाँ पे काम है, साथ ही साथ वेंटिलेशन का पूरा प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखा गया है। हैंड वॉश के लिए भी यहाँ पे एक प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे बना के दिया जाएगा। फिर देखते हैं इस रूम को, रूम की साइज की बात करूं लगभग 12x12 के आसपास का रूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। इधर की तरफ इसमें कुछ डिफरेंट बट अच्छी है वॉल पेंटिंग, बहुत ही प्यारी प्यारी वॉल पेंटिंग यहाँ पे करके दी गई है आपको। ऊपर की तरफ जो सीलिंग का जो काम किया गया है, पीओपी वर्क जो किया गया है, वो भी बहुत प्यारा यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो कबर्ड्स का काम आपको मिल जाता है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ यहाँ पे कबर्ड्स मिलती है आपको, जो कि बहुत ही स्पेसियस कबर्ड्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अभी ओपन नहीं है, ओपन होती तो मैं आपको जरूर दिखाता। अंदर की तरफ बहुत अच्छा स्पेस इसमें दिया गया है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक विंडो मिलता है, जिसकी वजह से आप बाहर की तरफ अगर कूलर वगैरह इंस्टॉल करना चाहें तो आप इजीली इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। बाहर देखते हैं अपन तो यहाँ पे बहुत ही स्पेसियस आपको एक जो बालकनी का स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, साथ साथ में जो सामने की तरफ एसएस की रेलिंग के साथ जो ग्लास का वर्क किया गया है, बहुत ही प्यारा लुक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ साथ में ऊपर की तरफ भी आप देख पा रहे हैं वुडन स्ट्रक्चर में जो काम किया गया है, ये भी बहुत खूबसूरत प्यारा यहाँ पे काम किया गया है। इधर की तरफ जो है बार फ्रंट एलिवेशन से आप देख पा रहे थे उस टाइम पे, कुछ इस तरीके से काम भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा अभी कि ये जो विला जो बना हुआ है, ये जैसे मैंने बताया था आपको 100 वर्ग गज के अंदर बना हुआ है। साइज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 20x45 की डायमेंशन के ये हिसाब से ये बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइस, इस लोकेशन के हिसाब से, इस साइज के हिसाब से 32 लाख रुपये मात्र इसकी प्राइस होने वाली है। बाकी चीज़ें जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, जो बिल्डर है उनके प्रतिनिधि नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाकर डायरेक्टली आप उनको कॉल कर सकते हो और अधिक जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।